हेलो दोस्तों, मेरे एक्वेरियम एंड पेट चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको मेरे पास जो स्टॉक अवेलेबल है फिशेस का और ड्राई प्रोडक्ट्स का, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ और साथ ही साथ उसके प्राइसेस भी बताता रहूँगा। हमारे पास होलसेल और रिटेल दोनों अवेलेबल है और ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी पॉसिबल है। पहली फिश है ये सेवरम, ये गोल्डन सेवरम है। साइज़ इसकी है 4 इंच के आसपास और ये 300 रुपीज़ का सिंगल पीस है। और उसके बाद हमारे पास है टाइगर शोवल नोज कैटफिश, ये ऑलमोस्ट 5 इंच की है। इसका प्राइस है 500 रुपीज़ का सिंगल पीस। और इसके पीछे जो है हमारे पास वो है रेड टेल कैटफिश, जो है 400 रुपीज़ का सिंगल पीस। उसके बाद हम आते हैं अफ्रीकन सिकलेट्स में, ये मिक्स अफ्रीकन सिकलेट्स हैं, 4 इंच साइज़ की हैं अप्रॉक्स ये, और इनका प्राइस है 450 रुपये पेयर। और इसी के साथ हमारे पास है पोलर पैरेट। पोलर पैरेट का साइज ऑलमोस्ट है लमसम 2 इंच के आसपास और ये है आपका 180 रुपीज़ का पेयर। उसके बाद आते हैं हम नियोन अकारा जो है हमारे पास ऑलमोस्ट 3 इंचेस की हैं और अच्छा बेहतरीन कलर है इसका और एक अच्छे जीन ब्लड लाइन की है ये, और ये है और इसके साथ है कॉन्वेक्ट सिकलेट। ये दोनों आपको पड़ेंगी 200 रुपये पेयर। उसके बाद आते हैं हम बनाना सिकलेट्स में। बनाना सिकलेट्स का ये लमसम साइज़ है हमारा 2 से 2.5 इंच और ये है 80 रुपीज़ पेयर। देख सकते हैं बहुत सी क्वांटिटी अवेलेबल है हमारे पास। इसके बाद आता है रेड सेवरम, ये रेड स्पॉटेड सेवरम है। ये 5 इंच के आसपास की साइज़ है इसकी। इसका पेयर है हमारे पास 1800 रुपये का पेयर अवेलेबल है हमारे पास। और अब आते हैं हम लोग प्लांटेड सेक्शन के फिशेस के लिए। ये है गप्पी फिश, सारे मेल अवेलेबल हैं, ये 50 रुपीज़ का पेयर है हमारे पास। और इसी के साथ हमारे पास श्रिम्स भी कुछ अवेलेबल हैं। ये जो श्रिम्स हैं ये 120 रुपीज़ का पेयर है। 3 से 4 कलर मेरे पास अवेलेबल है, रेड, येलो और ब्लू अवेलेबल है मेरे पास इसमें, ये देख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 1 से 2 सेंटीमीटर के साइज़ की हमारे पास अवेलेबल मशरूम्स। उसके बाद आते हैं कलरफुल वीडोज़ में। वीडोज़ जो हमारे पास हैं मिक्स कलर के हैं, ऑलमोस्ट 4 से 5 कलर अवेलेबल है हमारे पास। ये इसका प्राइस है 50 रुपीज़ पेयर। इसी के साथ कुछ हमारे पास सिल्वर शार्क की हैं जो ऑलमोस्ट 4 इंच साइज़ की हैं, ये 150 रुपीज़ पेयर है हमारे पास अवेलेबल। और इसके साथ हमारे पास एक और रेयर फिश अवेलेबल है जिसका नाम है अल्बाइनो पैराडाइज। ये देख सकते हैं इसकी रेड आइज है। ये आपका 120 रुपीज़ पेयर फिश है। ये प्लांटेड फिशेस के साथ एडजस्ट करती है, प्लांटेड टैंक की फिश है ये। आते हैं दोस्तों फूड सेक्शन की तरफ। तो फूड सेक्शन में इकोनॉमिकल प्राइस में मेरे पास अवेलेबल है टायो ब्रांड के, और टायो ब्रांड का एनी फिश फूड है जो 200 ग्राम और लमसम 100 ग्राम के रेंज में आते हैं। फिर उसके बाद मेरे पास रेमोरा है। रेमोरा थोड़ा सा इकोनॉमिकल से प्रीमियम की तरफ जाता है, ये भी अवेलेबल है मेरे पास 400 ग्राम्स में। टर्टल फूड की सारी वैरायटी अवेलेबल है, 45 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम और 1 kg भी अवेलेबल है हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास ओरिजिनल एक्सो का हम्पी हेड, ये फ्लावर हॉर्न का फिश फूड है। ये अपना फ्लावर हॉर्न के हेड के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए ये बहुत बेहतरीन फूड होता है। इसके बाद आता है ट्यूबीफिक्स। ट्यूबीफिक्स जो है हमारे पास ये है, ये छोटे मुंह की फिशेस जो होते हैं जिनको छोटे पैलेट्स पसंद होते हैं, ये ट्यूबीफिक्स वॉर्म्स उनके लिए होते हैं, डायरेक्ट ड्राइड वॉर्म होते हैं ये है हमारे पास। और ये है हमारे पास ब्लड वॉर्म भी आप चाहें तो छोटे फिशेस को खिला सकते हैं, बहुत हाई प्रोटीन में होता है। उसके बाद हमारे पास है रेड मेलानो, ये वाह का फिश फूड है, ये भी प्रीमियम में आता है। उसके बाद हमारे पास हिकारी का फिश फूड मिल जाएगा। इसके सारे रेंज हमारे पास अवेलेबल हैं, सिकलेट से लेकर के आपका ऑस्कर फिशेस वगैरह, गोल्ड फिशेस वगैरह के लिए। उसके बाद हमारे पास आएगा ऑप्टिमम का कोई फिश फूड, ये भी आप चाहें तो कोई पॉइंट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, ये भी प्रीमियम फिश फूड है। उसके बाद ऑप्टिमम 3 in 1 है। उसके बाद ऑप्टिमम का 1 kg, 1/2 kg और ऑप्टिमम सिकलेट भी हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास जो छोटे फिशेज होते हैं उनको खिलाने के लिए माइक्रो पैलेट्स भी अवेलेबल हैं। ऑप्टिमम के माइक्रो पैलेट्स हैं और ऑप्टिमम
ऑप्टिमम का ही बेटा फिश फूड भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद अगर बेटा फिश फूड की बात करें तो ये हमारे पास बेटा का न्यूट्रीना बेटा फीड है, ये 25 ग्राम का पैलेट अवेलेबल है। ये वाह फिश फूड का है, ये भी काफ़ी अच्छा फिश फूड है। और उसके बाद आते हैं सिंकिंग पैलेट में, तो सिंकिंग पैलेट में हमारे पास है टेट्रा पैक्स अवेलेबल है, ये स्मॉल मीडियम और लार्ज में भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास आते हैं श्रिम्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जो बड़ी फिशेज होती हैं ऑस्कर अरवाना उनके लिए अवेलेबल है हमारे पास। और सिंकिंग पैलेट्स में हमारे पास बर्ड सिंग का ट्रॉपिकल फार्मूला भी अवेलेबल है, ये जो है ये बर्ड्स का बना होता है और ये सिंकिंग पैलेट है। जस्ट लाइक टेट्रा पैक्स अगर आपने यूज़ किया होगा, ये सेम वैसा ही प्रोडक्ट है, लेकिन ये फुल्ली 100% बर्ड्स से बना हुआ है। इसमें एक ये वेराइटी हमारे पास और एक हमारे पास कलर इन्हेंसिंग फार्मूला भी अवेलेबल है, ब्लू बर्ड्स में है हमारे पास, ये भी आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इकोनॉमिकल फ़िश फूड जो हमारे पास जनरली लोग यूज़ करते हैं, हमारे पास ऑप्टिमम के सारे रेंज अवेलेबल हैं। उसके बाद ओशन ट्रीट का फीस हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास 3 से 4 वेराइटीज़ अवेलेबल हैं, हर फिशेज़ के लिए सूटेबल अलग अलग पैलेट साइज़ भी है इसमें, और इसमें काफ़ी रेंज है हमारे पास। फिर उसके बाद आते हैं टायो में, इकोनॉमिकल फूड है ये हमारे पास अवेलेबल है। फिर उसके बाद आता है ओसाका ग्रीन, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके जो पैलेट्स होते हैं वो ग्रीन कलर में हमारे पास होते हैं, स्पायरोलिना मिक्स्ड, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट हैं इसके भी। फिर आते हैं ड्राई रेंज में, हमारे पास एक्वा गेस के फिल्टर्स हैं, सोबो के फिल्टर्स हैं, सोबो में कई वैराइटीज़ अवेलेबल हैं। एक ब्रांड है बॉडी गार्ड, जो कि काफ़ी पुराना ब्रांड है और काफ़ी रिलायबल ब्रांड है, इसके पंप बहुत अच्छा मतलब बहुत लॉन्ग लाइफ के होते हैं, ये भी आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टर्टल्स के लिए यूवी लैंप जो यूज़ करते हैं टर्टल्स को गर्मी देने के लिए, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद आते हैं छोटे फिल्टर में, मतलब 1 से 1.5 फीट का जो एक्वेरियम है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं छोटे फिल्टर। और उसके बाद फिर बड़े एक्वेरियम्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टॉप फिल्टर, टॉप फिल्टर में भी हमारे पास छोटा बड़ा मीडियम सारे साइज़ अवेलेबल हैं। फिर हमारे पास आता है ऑटो फीडर, जब कभी भी आप बाहर जाते हैं तो आप अपने फिश को ये मशीन लगा करके जा सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपके फ़िश को फूड खिलाती रहती है, मतलब इसमें से फूड गिरता रहता है और फिश उसको खाती रहती है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास स्पॉन्ज फिल्टर जिनका पंप जल्दी जल्दी ख़राब होता है उनके लिए यूज़ में आता है ये, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि ख़राब हो, बस इसको आप अपने ऑक्सीजन वाली मशीन से कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देता है, इसमें आपको कोई एडिशनल पावर सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास हैंग ऑन फिल्टर जो होता है मेनली प्लांटेड और मरीन में यूज़ किया जाता है, ये पानी का फ्लो जो है इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है, और इसके अलावा ये पानी को क्रिस्टल क्लियर साफ़ करता है, क्योंकि इसके अंदर एक्टिवेटेड कार्बन भी होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ड्रिफ्ट रोड काफ़ी अच्छे शेप्स में अवेलेबल है हमारे पास, देखिए इस तरह के शेप्स में भी अवेलेबल है, और अगर आप प्लेन चाहते हैं तो प्लेन भी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि सिंगल आता है, देखिए प्लेन टाइप में है, थोड़ा सा ये बड़े साइज़ का ड्रिफ्ट फूड है, ये ऑलमोस्ट आपका 24 इंच का ड्रिफ्ट फूड है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास टर्टल स्टैंड, टर्टल के बास्किंग एरिया के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास ढेर सारे डेकोरेशन है जो कि हमारे पास अवेलेबल है, और उसके बाद कई वेराइटीज़ के प्लांट्स भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद हमारे पास अवेलेबल है एक्वेरियम के लिए 3D बैकग्राउंड्स, नॉर्मल बैकग्राउंड तो सभी लोग लगाते हैं, ये 3D बैकग्राउंड्स होते हैं, ये एकदम नेचुरल लुक देते हैं आपको एक्वेरियम्स में, ये देखिए ये ऐसा लगेगा जब आप अपने टैंक में लगा दें तो ऐसा लगेगा कि ये नेचुरल किसी ने रॉक लगाया हुआ है, ये एक्चुअल में 3D है। ये भी हमारे पास अवेलेबल है, इसको अगर एक्वेरियम में आप लगा देते हो तो आपका एक्वेरियम एकदम नेचुरल और बेहतरीन लगने लगता है। इसमें भी हमारे पास 2 से 3 टाइप के डिज़ाइंस जो हैं अवेलेबल हैं।